हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जैक और आप देख रहे हैं जैक्स ब्लॉग। अगर आप भटकते भटकते न्यू आ गए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब पहले कर दीजिए, उसके बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए और ये वीडियो देखते रहिए। ये वीडियो है बीसी कॉलेज का। मैं सामने खड़ा हूँ बीसी कॉलेज के गेट के। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं एक पहले ही वीडियो दिया था बीसी कॉलेज का एनुअल फंक्शन और फ्रेशर्स पार्टी का। वो पूरा पार्टी अगर आप नहीं देखे तो आई बटन पर लिंक मिल रहा होगा, तो प्लीज़ वो जाके देख लीजिए। और ये है बीसी कॉलेज, विधान चंद्र कॉलेज इन आसनसोल। आसनसोल में ये पड़ता है। बहुत दूर दूर से यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं हर स्टूडेंट। बहुत सारे ऑनर्स है, प्रोग्राम है अभी जो स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे ओपन यूनिवर्सिटी का भी फैसिलिटी है और एनसीसी है, बहुत सारी चीज़ है। तो आप लोगों को अंदर जाके मैं सब कुछ दिखाऊंगा, तो प्लीज़ ये वीडियो अंत तक देखते रहिए। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो एक्स स्टूडेंट हैं यहाँ के, जो अभी बहुत बड़े हो गए हैं, ऑफिसर, वकील जो भी बन गए हैं, तो वो लोग भी अपना पल लिखे जो बी सी कॉलेज में उन लोगों का गुजरा है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बीसी कॉलेज का जो साइकिल स्टैंड है या फिर कार स्टैंड या फिर बाइक स्टैंड, जो भी कह सकते हैं आप, तो जो है वहाँ पे मैं खड़ा हूँ। तो आप लोग अगर सोच रहे हैं कि बीसी कॉलेज में जाके साइकिल या फिर अपना बाइक कार कहाँ रखेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा प्लेस है यहाँ पे रखने का और मुझे स्पेशली बहुत पसंद है दूसरे को। सो फ्रेंड्स, ये है बीसीए बीबीए का डिपार्टमेंट, बीसीए बीबीए का रूम है सामने का। पहले का ब्लॉग में आप लोगों को एंट्री का सीन मिल चुका होगा। ये है कैंटीन और उस कैंटीन के पीछे स्टूडेंट यूनियन का छोटा सा एक रूम है। और दोस्तों, ये जो मैंने कहा कि यहाँ पे इग्नू का मतलब ओपन यूनिवर्सिटी का भी फैसिलिटी मिलता है इस कॉलेज में, तो आप यहाँ के आके वो सब भी पढ़ सकते हैं, वो कंप्लीट कर सकते हैं अपना स्टडी। और दोस्तों, ये है एनसीसी। बीसी कॉलेज में एनसीसी का भी फैसिलिटी है। सो मतलब बहुत सारा फैसिलिटी बीसी कॉलेज में आप लोगों को मिलेगा। जिसको भी मतलब जिनको भी ऐसा इंटरेस्ट है इन सब चीज़ में जाने का, वो बीसी कॉलेज में प्लीज़ एक बार आके ट्राई मार के देखिए। है एनसीसी का रूम जो पीछे आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, ये है कॉलेज का ऑफिस का जगह। मतलब ये पूरा जो जगह दिख रहा है आप लोगों को, ये ऑफिस सेक्शन है। ये है ऑफिस का फर्स्ट रूम। यहाँ पे आप देख सकते हैं काजी नजरुल यूनिवर्सिटी, मतलब इस कॉलेज का जो यूनिवर्सिटी है वो काजी नजरुल, उसका नोटिस बोर्ड है। और इधर पुराना पहले बर्डवान यूनिवर्सिटी था जो अभी नजरुल में कन्वर्ट हो गया है। और ये है सामने का गेट ऑफिस का। ऑफिस का ये है अंदर का सेक्शन। हाँ तो सर, बताइए कि आप बीसी कॉलेज में कब से काम कर रहे हैं? मोटा मोटी 2007 से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे बीसी कॉलेज में। और जियोलॉजी डिपार्टमेंट में 2016 से मैं काम कर रहा हूँ। जियोलॉजी डिपार्टमेंट का मैं लैब असिस्टेंट के हिसाब से काम कर रहा हूँ। तो ये जियोलॉजी डिपार्टमेंट के लैब असिस्टेंट हैं, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जियोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा बताइए, कैसा डिपार्टमेंट है कॉलेज में, लैब सब कैसा है और सब केमिकल्स वगैरह सब कैसे रहता है? लैब ऐसे मोटा मोटी हम लोग का ठीक ही है, लेकिन लैब के लिए अब एक्स्ट्रा हम लोग का 113 नंबर रूम लिया गया है। वो 113 नंबर में लैब अभी बना रहा है, मोटा मोटी एक महीना में ठीक हो जाएगा। लैब असिस्टेंट जो है राजू दा, उन्होंने बताया कि अभी नया लैब भी बनाया जा रहा है हम लोगों के जूलॉजी डिपार्टमेंट के लिए, तो प्रैक्टिकल भी अलग होगा और थियोरेटिकल क्लास भी अलग होगा। ये है दोस्तों हमारे प्रिंसिपल का रूम, जो डॉक्टर फाल्गुनी मुखोपाध्याय है, वो हमारे कॉलेज का प्रिंसिपल है। और ये सामने का नोटिस बोर्ड जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये प्रिंसिपल का अंदर का रूम है। तो बीसी कॉलेज के जो जूलॉजी डिपार्टमेंट है, बॉटनी है, उसके अंदर हिस्ट्री है, बहुत सारा डिपार्टमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। फिलहाल अभी तो एग्ज़ाम चल रहा है, तो ज़्यादा ज़ोर से मैं कुछ बात नहीं कर सकता हूँ। और पहले आप देख लीजिए कि ये 110 नंबर रूम है, और हम लोगों का जो जूलॉजी डिपार्टमेंट का रूम है वो 111111। और ये 112 है, बॉटनी रूम है, बॉटनी डिपार्टमेंट। फ्रेंड्स, ये है हिस्ट्री क्लासरूम, जो यहाँ पे क्लास किया जाता है हिस्ट्री का। ये डिपार्टमेंट का हेड ऑफिस नहीं है। और इसका अंदर का लुक आप लोगों को दिखाता हूँ, बहुत है। मतलब इस कॉलेज को जिसने भी सजाया है, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट पे अपना नाम लिख के बताइए और क्या क्या मस्ती किए हैं इस कॉलेज में, वो सब कुछ प्लीज़ बताइए। तो क्या दिस, यहाँ से तो ब्लैक नज़र आ रहा है। सो ये है कुछ हिस्सा, गौतम बुद्ध बनाया गया है यहाँ पे। 115, जिसको भी चाहिए 115 में आ जाइए, डिपार्टमेंट ऑफ पॉल साइंस, यहाँ पे आप लोग को
मिल सकता है। और ये है टीचर्स का, प्रोफेसर का नाम। और फ्रेंड्स ये है पॉल साइंस रूम का ड्राइंग, ये रूम में बनाया गया है, बाकी आउटलुक आप रूम का देख सकते हैं, सो द इनर लुक। और ये है कुछ नाम। अब दोस्तों मैं आया हूँ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है 114, उसके ही ऑपोजिट में है ये 114। और यहाँ के प्रोफेसर का नाम भी आप देख सकते हैं। और जैसे कि हर डिपार्टमेंट में, हर क्लासरूम में सजाया जाता है, वैसे यहाँ पे भी सजाया गया है। और फ्रेंड्स ये है टीचर्स लोगों का पार्किंग का जगह है, तो देख सकते हैं आप, ये टीचर लोग रखते हैं। यहाँ भी अच्छे से फैसिलिटी करके बनाया गया है, गाड़ी साइकिल सब कुछ रखने के लिए। सो फ्रेंड्स अभी मैं फर्स्ट फ्लोर में जा रहा हूँ, जूलॉजी डिपार्टमेंट और इकोनॉमिक्स पॉल साइंस सब कुछ घूम के। और ये है मेरा भाई, इसको पहले वीडियो में आप देखे थे, ये भी इसी कॉलेज में पढ़ता है जैसे मैंने कहा था। और ये सामने है लाइब्रेरी, सामने का लुक पहले देख लीजिए, बहुत ही सुंदर लाइब्रेरी है यहाँ का। और यहाँ का मेंटेनेंस मुझे यहाँ इलाके में जितना भी कॉलेज है उससे बेस्ट है। सो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये है फिजिक्स का ऑफिस और ये है प्रोफेसर्स के नाम। और 208 है फिजिक्स का ऑफिस, अगर किसी को आना है यहाँ पे तो प्लीज़ आके देख सकते हैं। और यह है सामने का फिजिक्स लैब थर्ड ईयर, जो फिलहाल बंद है और यहाँ से खुला हुआ है दोस्तों, अभी प्रैक्टिकल चल रहा है, एग्ज़ाम चल रहा है। और यह है दोस्तों BBA का रूम, जो सेकेंड ईयर का है, देख सकते हैं फिलहाल बंद है। मैंने जैसे कहा अभी तो एग्ज़ाम का माहौल है, तो इस टाइम में अभी फ़िलहाल बंद है डिपार्टमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये है ऑफिस सामने और ये बगल में है लाइब्रेरी, ऑफिस का रूम नंबर है 219। हेलो फ्रेंड्स, फिलहाल मैं जा रहा हूँ सेकेंड फ्लोर में BCA BBA को नीचे छोड़ के ऊपर में जा रहा हूँ। और ऊपर है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और क्या क्या है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत है, फिलहाल इसके अंदर में जाके मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि डिपार्टमेंट कैसा है। बहुत ही सुंदर से सजाया गया है, लाइक हिस्ट्री डिपार्टमेंट। और यहाँ भी बहुत कुछ मतलब स्टोरी डिस्क्राइब किया है, सामने देख सकते हैं श्री राम चंद्र जी खड़े हैं और ये हिरण पकड़ने के लिए जा रहा था उस टाइम पर, ये बनाया गया है वहाँ कभी कालिदास। मुझे उतना नहीं आता है संस्कृत पढ़ना, बस हिंदी से जो मिलजुल खाता है वही पढ़ सकता हूँ। और लोग दोस्तों ये संस्कृत डिपार्टमेंट के बगल में है, ये क्लासरूम 2 सेकेंड ईयर का है, सामने का ये रूम। और ये है दोस्तों BC कॉलेज का जो गार्डन है, छोटा सा अंदर का, मतलब चारों तरफ रूम से घिरा हुआ है, बिल्डिंग से घिरा हुआ है। और ये सामने का थोड़ा सा जगह है, वहाँ पे बगीचा भी फिलहाल ख़त्म हो गया है और मेंटेन किया जाता है बाद में। दोस्तों ये है 314 रूम, ये एक्चुअली बहुत ही बड़ा रूम है, यहाँ पे एग्ज़ाम का सेंटर पड़ता है, तो जो लोग यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। ये रूम सेकेंड फ्लोर पे है मैं बता देता हूँ, और इस साइड पे ये रूम पड़ता है, देखिए लोकेशन आप देख लीजिए दोस्तों, अंदर पूरा खाली। और ये इंग्लिश डिपार्टमेंट है दोस्तों, मैं सामने जाकर आप लोगों को दिखा देता हूँ, इग्नू का क्लास अभी क्लास चल रहा है यहाँ पे, तो मैं ज़ोर से नहीं बता सकता हूँ, इग्नू का क्लास यहाँ पे चलता है। और ये PG सेकेंड ईयर है दोस्तों, देख सकते हैं रूम के अंदर क्लास चल रहा है अभी फिलहाल, 310 और ये 309। तो फ्रेंड्स मेरा ये हो गया एक बहुत ही नॉर्मल सा VC कॉलेज का ब्लॉग, अंदर का मतलब जितना भी है, अभी तो फिलहाल रूम बंद है सब कुछ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ नहीं दिखा पाया। आप लोग बताइए कमेंट पे कि VC कॉलेज के ऊपर जो आप लोगों का याद है वो कैसा है, और मतलब कैसा पल गुजरा है आप लोगों का यहाँ पे, और क्या क्या स्टोरी बता सकते हैं कमेंट पे। और फिलहाल मेरे चैनल जैक्स ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कीजिए, और ये वीडियो हर VC कॉलेज के स्टूडेंट को शेयर जरूर करना। अभी के लिए बाय, बाद में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।